मी मतलब पीपल, जो मतलब हिल और राम मतलब कंट्री। इन शब्दों को मिलकर बनता है मिजोरम। आज हम द लैंड ऑफ हिल्स मिजोरम के फ्लेवर्स का सफर करेंगे। ये वो लैंड है जहाँ कोई क्लास डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जहाँ के लोग बहुत हॉस्पिटेबल हैं, जहाँ पहाड़ों, नदियों और झरनों का राज है और जहाँ की लिटरेसी रेट 96% है। यही है मिजोरम। मिजोरम की क्यूजीन भी उसी की तरह से बहुत कल्चरली रिच है। यहाँ की क्यूजीन में आपको चाइनीज और नॉर्थ इंडियन डिशेस दोनों का इन्फ्लुएंस दिखाई देगा। और हर एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट की तरह राइस यहाँ का स्टेपल फूड है, जो यहाँ के लोग अपने नॉन वेजिटेरियन रेसिपीज के साथ बहुत इंजॉय करते हैं। मिजोस की कुकिंग स्टाइल बहुत सिंपल है। यहाँ के लोग ज़्यादातर अपनी डिशेस को या तो बॉयल करते हैं या स्टीम करते हैं, और ऑयल बहुत कम यूज़ होता है। तभी तो उनका लाइफस्टाइल इतना हेल्दी है और एवरीवन इज हैप्पी देयर। तो चलो हम भी इस हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते हैं और मिजोरम की रेसिपीज में थोड़ा सा अपना फ्लेवर डालते हैं और हैप्पीनेस स्प्रेड करते हैं, बिकॉज हैशटैग हेल्थ इज हैप्पीनेस। आज मैं बनाऊंगी कॉलीफ्लावर स्टॉक पाई, मिजोरम सोहचार और ड्रैगन फ्रूट लेयर्ड स्मूदी। नॉर्थ ईस्ट में वेजिटेरियन डिशेस बहुत कम हैं, इसीलिए स्टार्टर्स में मैं सबसे पहले बनाने वाली हूँ मिजोरम की क्लासिक वेजिटेरियन डिश कॉलीफ्लावर स्टॉक बाय। ये एक सूप स्टाइल वेजिटेबल डिश है, वेयर द प्राइमरी इंग्रेडिएंट इज कॉलीफ्लावर स्टॉक, यानी कि गोभी का डंठल एंड उसके लीव्स। कॉलीफ्लावर में ऑलमोस्ट सारे विटामिन और मिनरल्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मिजोरम की पहाड़ियों का मजा लेने के लिए बनाते हैं मिजोरम से कॉलीफ्लावर स्टॉक बाय। कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी की ये जो डंठल है, जिसे अमूमन आप निकाल के फेंक देते हैं, उसको हमने चॉप कर लिया है और अब इसका हम बनाएंगे एक सूप। आप जब कॉलीफ्लावर का स्टॉक लेंगे, उसका जो साइड में अगर बहुत टफ पोर्शन है तो उसे पील करके हटा दीजिएगा और उसके अंदर का जो टेंडर स्टेम है उसको इस्तेमाल कीजिएगा। शुरुआत करेंगे थोड़े पानी के साथ। आई एम टेकिंग अबाउट 3 कप्स ऑफ वाटर हियर और इस पानी में डालूंगी नमक, आई एम यूजिंग पिंक सॉल्ट, और इसके साथ मैं डालूंगी इसमें बेकिंग सोडा। इससे कर लेते हैं मिक्स। आप देखेंगे कि इसके ऊपर बबलिंग शुरू हो जाएगी। जब ये बुलबुले आने एकदम बंद हो जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे अपना कॉलीफ्लावर स्टॉक। लुक एट दोस टाइनी बबल्स पॉपिंग अप, बुलबुले सबसाइड हो जाएंगे, ये उठने बंद हो जाएंगे, तब हम डाल देंगे अपना कॉलीफ्लावर का स्टॉक इसमें, ये गोभी के डंठल जिसे हमने महीन महीन काट के रखा हुआ है। इसके साथ मैं डालूंगी इसमें ये आलू और थोड़ा सा गोभी भी, ये भी, और अब इसे हम थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। कॉलीफ्लावर में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आर ओवरऑल हेल्थ। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं जो हमारी बॉडी सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत ही वर्सेटाइल वेजिटेबल होता है वैसे कॉलीफ्लावर, और आप चाहे तो इसे किसी भी ग्रेन के साथ, लेग्यूम के साथ, किसी भी स्टार्च के साथ इजीली कुक कर सकते हैं, एंड इज वेरी लो ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल। जब ये वेजिटेबल्स हाफ कुक हो जाएंगे, मैं इसमें डालूंगी रेड चिलीज जिन्हें मैंने स्लिट करके रखा हुआ है, तो 2 रेड चिलीज हैं, दिस आई विल एड इन, और डालूंगी मैं इसमें बीन्स। बीन्स को भी मैंने स्लांट करके कट किया है, सो यू हैव प्लेंटी ऑफ ग्रीन गोइंग इन देयर। गिव इट अ स्टर। और राइस है मेरे पास, आई एम गोइंग टू एड टू दिस अबाउट 1/3 कप ऑफ राइस। इसे हम कुक कर लेंगे जब तक राइस जो है पूरी तरह से मॉइस्चर को अब्सॉर्ब नहीं कर लेता। एंड सिर्फ नमक और लाल मिर्च और ये ढेर सारे वेजिटेबल्स और थोड़ा सा राइस। कवर कर देंगे और इसे कुक होने देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट ले, या तब तक जब तक राइस जो है मॉइस्चर को अब्सॉर्ब नहीं कर लेता। A quick check, राइस बॉइल हुआ कि नहीं।
राइस कुक हो चुका है, इसने मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लिया है। हमें राइस को ओवर कुक नहीं करना है, मशी नहीं करना है, बस इतना कि ये मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर ले। जैसे जैसे ये ठंडा होगा, ये राइस और पानी अब्सॉर्ब करता जाएगा और ये और थिक होता जाएगा। तो इसीलिए इसको गर्मा गर्म हम परोसेंगे। There you are, a wholesome, hearty, very filling soup to begin, which has a lot of vegetables added to it. और साथ ही साथ में, क्योंकि ये इतना filling है और इसमें बिल्कुल oil नहीं है, ये आपको काफी देर तक एक full feeling देगा। तो मेरा मिजोरम का ये सूप है तैयार। और अब मैं इसको गर्मा गर्म enjoy करने जा रही हूँ। तब तक आप देख लीजिए इसका एक recap। कॉलीफ्लावर स्टॉक पाई बनाने के लिए सबसे पहले एक कप कटा हुआ कॉलीफ्लावर स्टॉक ले लें। अब पैन में 3 कप पानी, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालें और उबाल लें। अब इसमें 1 कप कॉलीफ्लावर स्टॉक, 1/4 कप आलू, 1/4 कप फूल गोभी डालें और थोड़ी देर पका लें। आधा पक जाने पर इसमें 2 कटी हुई लाल मिर्च, 1/4 कप बीन्स और 1/3 कप चावल डालकर मिला लें। पैन को कवर करके 10 से 15 मिनट तक पका लें। कॉलीफ्लावर स्टॉक पाई है तैयार। सर्व करें और एंजॉय करें ये डिलीशियस सूप। मेरे सेकेंड कोर्स में हम चखने वाले हैं मिजोरम की ऑथेंटिक नॉन वेजिटेरियन डेलिकेसी का स्वाद और मैं बनाने जा रही हूँ मिजोरम सोहचार, यानी कि राइस पिलाफ विद बे लीफ एंड चिकन। ये डिश मिजोरम की वन ऑफ द ट्रेडिशनल डिशेस में से एक है और ओरिजिनली ये डिश मिजो आंथुर लीव्स से बनती है, बट आंथुर लीव्स अगर आपको अवेलेबल ना हो तो आप सरसों की लीव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विच टेस्ट्स वेरी वेरी सिमिलर। तो फिर आज हम भी इस मील को अपना कोर्स का हिस्सा बनाएंगे और इसका स्वाद लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे जरूरी काम है चिकन को स्मोक फ्लेवर देना। उसके लिए एक कोयला लीजिए। वी वांट कि इसमें लाल अंगार आ जाए, तब इससे हम स्मोक करेंगे देसी घी के साथ। एक बड़े से बोल में मैंने चिकन साइड में स्प्रेड कर दिया है और बीच में रखी है एक कटोरी। कोयला जब लाल होने लग जाएगा, इसमें थोड़ा अंगार आ जाएगा, इसे बंद कर देंगे। हाँ, ये रेडी है। और अब एक कटोरी में इसे बीच में हम रखेंगे। इसके बाद 1 चम्मच देसी घी में इसके ऊपर पोर करूंगी और इमीडिएटली इसको कवर कर दूंगी। चिकन को स्मोक होने के लिए मैं इसे यहीं छोड़ देती हूँ और तब तक हम आगे बढ़ते हैं। एक पैन में मैं उबालने जा रही हूँ तकरीबन 2.5 कप पानी। और इस पानी में डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पिंक सॉल्ट। जब ये पानी बॉईल पे आएगा, इसमें डालेंगे हम बे लीव्स और इसके साथ मोटी इलायची है, जिसे थोड़ा सा खोल के डालती हूँ मैं हमेशा। ऐसा करने से इसके फ्लेवर ज़्यादा अच्छे से सीप कर पाते हैं। और छोटी इलायची भी इसी तरह से डाल दूँगी। डालूँगी कुछ पेपरकॉर्न्स और साथ में ये काटी हुई रेड चिली, ये फ्रेश रेड चिलीज हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा तीखी ना हो तो आप ये रेड चिलीज जो ड्राइड होती हैं ये भी डाल सकते हैं। इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम लो हीट पे सिमर होने देंगे ताकि पानी में इन सारे मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और अब मेरे पास है यहाँ पर कुछ ये सेलरी जो मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये इसमें डालते हैं। और साथ में लीक, ये तो 1 कप लीक इसमें जाएगा ही। जैसे कि आप जानते हैं सेलेरी हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो ये थोड़ा कम करने में मदद करता ही है, साथ ही साथ में आपके हार्ट की हेल्थ को भी बहुत इम्प्रूव करता है। ये लिवर को भी क्लेंस करता है और क्योंकि ये किडनी को प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए लिवर डिजीजेस प्रिवेंट करने में बहुत सहायक है। कुछ मस्टर्ड लीव्स भी हैं मेरे पास एंड दीज मस्टर्ड लीव्स विल ऑल्सो गो इन। बस इन्हें मैं हाथ से तोड़ के डाल दूंगी, आप चाहें तो इन्हें चॉप भी कर सकते हैं।
And now I will cook all of these together for about 7 to 8 minutes. ताकि ये जो स्टॉक हमारा रेडी हो रहा है, पानी है, सेलरी है, लीक है, कुछ स्पाइसेस हैं, ये जो स्टॉक है इसमें जब हम चिकन पकाएं और राइस पकाएं तो राइस और चिकन में इन सब चीजों का फ्लेवर बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये स्टॉक कुछ 7 से 8 मिनट से ब्रू हो रहा है, काफी अच्छा सा फ्लेवर आ गया है इसमें। और अब बारी आती है इसमें डाल देने की राइस। तो 1 कप राइस मैंने यहाँ सोक करके रखा हुआ है और इसका एक्सेस पानी काफी मैंने निकाल दिया है, तो ये राइस भी इसमें ऐड कर देते हैं। और इस राइस को हम कुक कर लेंगे जब तक ये हाफ कुक नहीं हो जाता। राइस हाफ कुक्ड हो चुका है एंड नाउ ये स्मोक्ड चिकन ये निकाल लें। इसमें से ये कटोरी हटा देते हैं और ये जो स्मोक चिकन है अब ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इसे अभी टर्न कर दीजिए। तो चिकन का जो स्मोकी फ्लेवर है वो पूरे राइस में आ जाएगा और राइस का जो इतना बढ़िया फ्लेवर है जो हमारे स्टॉक की वजह से आया है वो चिकन में भी आ जाएगा। चिकन इसमें टर्न कर दीजिए और अब चिकन, राइस, लीक, सेलरी, बे लीफ, मस्टर्ड लीव्स इन सबको इकट्ठा कुक होने दीजिए जब तक राइस पूरा मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर ले और ये चिकन भी कुक नहीं हो जाता। दिस शुड टेक अस अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 minutes। राइस कुक हो चुका है और अब इसके ऊपर डालेंगे हम, मेरे पास है यहाँ पर ये 1/4 cup ग्रेप जूस जिसमें मैंने 1 teaspoon ऑफ विनेगर ऐड किया है। ये सब्स्टिट्यूट है रेड वाइन विनेगर का, तो उसकी जगह आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ इट आई एम जस्ट गोइंग टू पोर दिस हियर एंड मिक्स इट। तो विनेगर से आएगा एक हल्का सा इसमें खट्टास, लिटिल डार्कनेस, और ग्रेप जूस से थोड़ी सी मिठास। जस्ट अलाउ दिस टू स्टैंड फॉर 3 to 4 minutes एंड देन वी आर गुड टू सर्व। तो देखा आपने कितनी हेल्दी है ये डिश। इसमें चिकन है, इसमें राइस है, इसमें ढेर सारे वेजिटेबल्स है, लेकिन इसमें एक भी चम्मच तेल नहीं है। एंड दिस इज सो वेरी ट्रेडिशनल एज वेल। टाइम टू गेट दिस आउट ऑन आवर प्लेट। I'm impressed by the food that the people in Mizoram eat. इसमें कितना देखिए न्यूट्रिशन भी है और कितना ये इसका कुकिंग स्टाइल सिंपल है लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा है। मुझे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिजोरम सोहचेयर इज रेडी टू बी सर्व्ड। और ये चिकन की डिश बहुत ही यमी है। आप जल्दी से देख लीजिए इसका एक रिक्याप। मिजोरम स्वाहिचिया बनाने के लिए सबसे पहले 750 ग्राम चिकन को एक कोयले की सहायता से स्मोक कर लें। एक बड़े बोल में 750 ग्राम चिकन को साइड पे स्प्रेड कर लें और बोल के बीच में एक छोटा कटोरा रख दें। एक कोयले के टुकड़े को गर्म करके छोटे वाले कटोरे में डालें और इसमें 1 चम्मच घी डालकर बोल को कवर करके चिकन को स्मोक कर लें। अब एक पैन में 2.5 कप पानी उबाल लें और इसमें स्वाद अनुसार नमक, 2 तेज पत्ते, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च के दाने, 2 कटी हुई लाल मिर्च और 2 सूखी
कटी हुई लाल मिर्च डालकर 3 से 4 मिनट तक उबालें। अब डालें 1/4 कप बारीक कटी हुई सेलरी, 1 कप लीक, 1/4 कप सरसों के पत्ते और इन्हें साथ में 7 से 8 मिनट तक पका लें। पक जाने पर इसमें 1 कप भिगोया हुआ चावल डालें और आधा पका लें। चावल आधा पक जाने पर इसमें स्मोक किया हुआ चिकन डालें और 10 से 12 मिनट तक पका लें। चावल पक जाने पर इसमें 1/4 कप ग्रेप जूस और 1 छोटा चम्मच विनेगर डालें और मिक्स कर लें। इसे 3 से 4 मिनट तक रख दें और फिर सर्व करें ये ऑयल फ्री मिजोरम सोहिचार। वेलकम टू 3 Courses with Pankaj Season 2। मिजोरम का स्टार्टर और मेन कोर्स एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है कि अब स्वीट डिश तो अच्छी बनानी ही पड़ेगी। इसीलिए स्वीट डिश में मैं बनाने जा रही हूँ ड्रैगन फ्रूट लेयर्ड स्मूदी। ड्रैगन फ्रूट, और वो भी मिजोरम में? बिल्कुल, क्योंकि अब हिंदुस्तान में ड्रैगन फ्रूट अगर कहीं उगाया जा रहा है तो वो है मिजोरम में। इसीलिए आज मैं मिजोरम का ये जो लोकल फ्रूट है इससे बनाने वाली हूँ अपनी स्मूदी। तो चलिए लेट्स मेक दिस हेल्दी एंड डिलीशियस स्मूदी। इसके लिए मैंने ये ड्रैगन फ्रूट को डीप फ्रीजर में डाल दिया था एंड इट इज ऑलमोस्ट फ्रोजन नाउ। अलॉन्ग विद दिस मैंने ये बनानास को भी कट करके फ्रीज कर दिया था। देयर वी आर। सब्जा के बीज मैंने दूध में भिगोए हैं और साथ ही साथ में इसमें थोड़ा सा स्टिविया डाला है और 1/2 छोटा चम्मच मैंने इसमें वनीला एसेंस भी डाला है और इसको भी मैंने फ्रीज कर दिया है। सो ऑल माई फ्रूट एंड माई सब्जा दीज आर फ्रोजन। अब क्या करना है, एक स्मूदी बनानी है और उसके लिए मैं ऐड करने जा रही हूँ 1/2 of this फ्रोजन ड्रैगन फ्रूट। व्हाट अ ब्यूटीफुल लुकिंग फ्रूट दिस इज। स्कूप आउट कर लेते हैं जस्ट 1/2 of this। ड्रैगन फ्रूट में सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स बहुत कम होते हैं और साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी लो करता है। और अब इसमें डालूंगी मैं अबाउट 1/2 banana दैट हैज बीन फ्रोजन। पील्स को हटा लेते हैं। ऐड करूंगी इसमें 2 स्ट्रॉबेरीज। और ये कुछ ब्यूटीफुल से रेड करंट्स। लुक एट दीज ब्यूटीफुल बेरीज। और अब मिक्सी में हम देंगे इसको एक झटपट सा ब्लेंड। फ्रूट्स ब्लेंड हो चुके हैं एंड नाउ टाइम टू बिल्ड अप माई स्मूदी। सो इन अ मेसन जार सबसे पहले मैं डालूंगी नीचे ये फ्रोजन सब्जा। इसे थोड़ा सा आप स्क्रेप कर लीजिए, ब्रेक कर लीजिए। सब्जा सीड्स खाने से हमारी बॉडी की हीट कम होती है और बॉडी में ठंडक मिलती है, साथ ही साथ में ये BMR यानी कि आपका बॉडी का मेटाबॉलिक रेट भी हाई करते हैं। तो इसे एक अच्छा सा स्टर देते हैं एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू लाइन दिस विद दिस सब्जा सीड्स। और इसके बाद मेरे पास है यहाँ ये ग्रनोला, तो आई एम गोइंग टू टॉप इट विद अ लेयर ऑफ ग्रनोला। ग्रनोला में ओट्स हैं, राइस फ्लेक्स हैं, व्हीट फ्लेक्स हैं, ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और साथ ही साथ में कैंडीड फ्रूट्स भी हैं। इसमें सीड्स हैं, लाइक आई हैव ओवर हियर मेलन सीड्स, मेरे पास सनफ्लावर सीड्स हैं इसमें। देयर इज अ लॉट ऑफ गुडनेस गोइंग इन देयर, कंप्लीट बैलेंस ऑफ एवरीथिंग दैट योर बॉडी रिक्वायर्स। और एक ग्रेनोला की लेयर लेने के बाद अब इसके ऊपर मैं दूंगी ये स्मूदी की लेयर जो मैंने बनाया है बेरीज के साथ, बनाना के साथ और ड्रैगन फ्रूट के साथ। जब भी आप कोई फ्रूट स्मूदी बनाएं तो 3 अलग-अलग कलर के फ्रूट्स लें, उनको फ्रीज करें और बस ब्लेंड कर लें एंड यू विल हैव द बेस्ट पॉसिबल स्मूदी। वेरी हेल्दी, वेरी डिलीशियस। और बस इसको अगर मुझे गार्निश करना हो तो आई एम जस्ट गोइंग टू एड सम बेरीज ऑन द साइड एंड टू दिस अ मिंट लीफ फॉर ऑल द फ्रेशनेस दैट आई नीड। मेबी अ स्लाइस ऑफ दिस ड्रैगन फ्रूट एज वेल। ड्रैगन फ्रूट लेयर्ड स्मूदी रेडी है। नेक्स्ट टाइम यू हैव गेस्ट्स ओवर आप अपने मेहमानों को ये जरूर टेस्ट कर पाइएगा, चाहे वो ब्रेकफास्ट में हो चाहे फॉर अ स्वीट डिश।
आप जल्दी से देख लीजिए इसका रिकैप। ड्रैगन फ्रूट लेयर स्मूदी। सबसे पहले एक ड्रैगन फ्रूट को फ्रीज कर लें। इसी के साथ एक बनाना को स्लाइस करके फ्रीज कर दें। एक बोल में एक कप दूध, एक चम्मच सब्जा, एक छोटा चम्मच स्टीविया और आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस डालकर इस मिक्सचर को फ्रीज कर लें। अभी ग्राइंडर में आधे ड्रैगन फ्रूट का पल्प, आधा बनाना, दो स्ट्रॉबेरी, 8 से 10 रेड बेरी डालें और इन सबको ब्लेंड कर लें। एक मेसन जार में थोड़ा सा सब्जा का मिक्सचर, आधा कप ग्रेनोला और थोड़ा सा फ्रूट मिक्सचर डालकर इनके लेयर्स बना लें। ड्रैगन फ्रूट लेयर स्मूदी है तैयार। इसे गार्निश करें रेड बेरीज, मिंट लीव्स और स्लाइस ऑफ ड्रैगन फ्रूट के साथ और सर्व करेंगे हेल्दी डिजर्ट।